प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में मणिशंकर अय्यर का चाय वाला बयान, 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का चौकीदार चोर वाला बयान और अब 2024 के चुनाव में लालू यादव का मोदी के परिवार वाला बयान। विपक्ष है कि मानता नहीं, मोदी को लेकर जब जब विपक्ष ने ऊटपटांग बोला, बीजेपी और प्रधानमंत्री ने इसे चुनावी हथियार बना लिया। 2014 और 2019 के चुनावी नतीजे आपको पता ही हैं। लालू के बयान से 2024 के चुनावी नतीजों का भी अनुमान आप लगा सकते हैं। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। परिवार बात है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे, तुम्हारे पास परिवार नहीं है। पटना के गांधी मैदान में रविवार 3 मार्च को इंडिया गठबंधन की जनविश्वास रैली थी। लालू यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता जुटे थे। तेजस्वी यादव और बिहार के नेताओं ने रैली में भीड़ जुटाने के लिए खूब मेहनत की थी। भीड़ जुटा भी ली और भीड़ का जोश देखकर लालू यादव अपने पुराने रंग में आ गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश में ऐसा बयान दे डाला जो सार्वजनिक जीवन में कतई उचित नहीं कहा जा सकता। लालू यादव ने परिवार को लेकर न सिर्फ मोदी पर निजी हमला किया बल्कि उनके हिंदू होने पर भी सवाल उठाए। तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब जब आसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में जेल में बंद थे। सेहत की दुहाई देने पर उन्हें पेरोल मिली है जिसमें किसी पब्लिक रैली में शामिल न होने की शर्त है। लेकिन राजनीति में कानूनी मर्यादाओं को धता बताते हुए लालू यादव पहुंच गए अपने बेटे की बुलाई रैली में और यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो कहा उससे उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। लालू यादव के बयान को आरजेडी और विपक्ष के नेता बड़का तीर समझ रहे थे लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने इसको हवा में ही काट दिया है। लालू यादव का बड़बोलापन बीजेपी ने पकड़ लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने लालू के बयान को चुनावी हथियार बना लिया है। 3 मार्च के अगले दिन 4 मार्च को तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार हैं। 5 मार्च को तेलंगाना की ही संगारेड्डी की रैली में भी प्रधानमंत्री यही बात दोहरा रहे हैं। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूँ तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं, तुम्हारे पास परिवार नहीं है। देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें यही मोदी का परिवार है। तो परिवारवाद को लेकर लालू यादव पहले से प्रधानमंत्री के निशाने पर थे, अब प्रधानमंत्री ने ये हमला और तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री पर परिवार को लेकर किए हमले की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बीजेपी ने लालू यादव की ओर से किए गए हमले पर पलटवार करते हुए मोदी का परिवार कैंपेन ही शुरू कर दिया है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने बायो में मोदी का परिवार जोड़ दिया है। इन नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और अनिल बलूनी जैसे कई नेता शामिल हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी एक्स पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ दिया है और बीजेपी का ये कैंपेन एक बार फिर साल 2019 में शुरू हुए मैं भी चौकीदार अभियान की याद दिला रहा है। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए
कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, सिंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है, और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के ऊपर मुझे हुकूमत करने को मिल जाए। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने आज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर जो अपना प्रोफाइल लोगो है उसमें मोदी का परिवार शब्द, मोदी का परिवार शब्द ऐड कर लिया है। बिल्कुल, हम सब मोदी का परिवार हैं और उन्होंने एक पंत प्रधान की तरह इस देश के लिए, विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। एक वक्त था जब गरीबी हटाओ केवल एक नारा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी देश की बेटियां चूल्हा फूंक फूंक के थक गई थी। धुएं से अगर मुक्त कराया है 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शंस देके, तो वो हमारे प्रधान सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने करा है। जाके मातृशक्ति कहीं दूर दूर कोसों मील चलकर पानी लेकर आती थी, आज 14 करोड़ लोगों के घर तक जल नल से अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है। इतनी सारी कल्याणकारी अगर आप देखें, जो योजनाएं हैं, ये सारा विचार तभी आया ना, क्योंकि वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। तो बिल्कुल सही है, वो हमारे बड़े हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब हैं मोदी का परिवार। तो 2019 में बीजेपी के मैं भी चौकीदार कैंपेन से बुरी तरह हार चुका विपक्ष इस बार जोरदार ढंग से बीजेपी के इस कैंपेन का सामना करता दिख रहा है। कांग्रेस से लेकर आरजेडी के नेता लालू यादव के बयान के बचाव में उतर आए हैं। अगर 140 करोड़ जनता उनकी परिवार होती तो कहते हैं ना, भारत मेरा परिवार है, तो इतना अन्याय क्यों किया है किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ? इतना अन्याय हुआ पिछले 10 साल तो अन्याय काल हुए हैं। भविष्य में अमृत काल की सपने दिखाई दे रहे हैं, पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया है? अन्याय काल, अपने ही परिवार से अन्याय। बीजेपी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का परिवार कुछ पूंजीपति लोग हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार पूरा देश का गरीब, गुरुआ, मजदूर, किसान, तेजस्वी यादव जी का परिवार नौजवान, ये है। इसलिए दोनों के परिवारवाद में अंतर है। इसलिए जो भी बीजेपी के नेता दलील दे रहे हैं, ये किसी के गले के नीचे हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि मेरा देश ही मेरा परिवार है, तो क्या वो पंजाब में प्रदर्शन करने वाले किसानों को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं? क्या मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री के परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली एथलीट्स उनके परिवार के सदस्य नहीं है? क्या बीजेपी के जिन सांसद ब्रजभूषण शरण पर ये लड़कियां तमाम आरोप लगा रही हैं, सिर्फ वही उनके परिवार के सदस्य हैं? तो चुनाव आजकल सहूलियत की राजनीति है। दोनों तरफ से बयानों के तीर चल रहे हैं, दोनों तरफ से मोदी के परिवार को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के पक्ष में बड़ी लहर की बात कही जा रही है। बीजेपी के पास राम मंदिर और 10 साल में देश का विकास जैसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सवाल तो बीजेपी पर भी है कि जब पूरा माहौल उनके पक्ष में है तो मोदी के परिवार जैसे मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की आखिर कितनी जरूरत है और क्यों जरूरत है? बीजेपी के चुनावी रणनीतिकारों को 2014 के चाय वाले और 2019 के मैं भी चौकीदार कैंपेन पर भरोसा है। 2014 में चाय वाला बयान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दिया, तो 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चौकीदार चोर कहा था, जिसे बीजेपी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन में कन्वर्ट कर दिया। 2014 और 2019 में बीजेपी को निश्चित तौर पर इस कैंपेन का फायदा हुआ था। बीजेपी के रणनीतिकारों को मोदी के परिवार कैंपेन को चुनावी मुद्दा बनाने में थोड़ी सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि ये बयान आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने दिया है।
लालू की पूरी राजनीति और चुनावी रणनीति पिछड़ों और दलितों के इर्द गिर्द रही है, जिसका बड़ा तबका इस समय बीजेपी के साथ है। लेकिन अगर ये मुद्दा आरजेडी और विपक्ष के रणनीतिकार पिछड़ों और दलितों के स्वाभिमान से जोड़ने की कोशिश में कामयाब हो गए तो बीजेपी के कैंपेन के उल्टा पड़ने का भी खतरा है। तो सियासी नुक्ताविद मुक्ता में हम आने वाले समय में सियासी मुद्दों की पड़ताल करते रहेंगे। ये मुद्दा कहां तक जाता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।